नौहजील थाना क्षेत्र में गांव सल्लू में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर ईंट पत्थर व लाठी डंडे चले, जिसमें महिलाओं सहित एक दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। नौहजील थाना क्षेत्र के सल्ल गांव में सुबह जमीनी विवाद को लेकर राजेश व रघुवर दयाल के परिवार आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्ष लाठी डंडा व बल्लम फरसे से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, जिसमें दोनों पक्षों से महिलाओं सहित एक दर्जन के लगभग लोग घायल हो गए। एक पक्ष से घायल जगवीर बीना देवी, वहीं दूसरे पक्ष के घायल राजेश, सुरेश, मनोज, ललतेश, सुखदेव, पुनीता, पूजा आदि घायल हो गए। ललतेश द्वारा बताया गया कि जमीन हमारी है और रघुवर दयाल जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहता है। आज सुबह उन्होंने हमें घर में घेर कर हमला बोल दिया और सभी को अधमरा कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर घायलों को डॉक्टरी मुआयना व उपचार के लिए नौहजील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा। मामला यह हुआ है कि उन्होंने मेरे पापा काम कर रहे थे वहाँ पे बैठे हुए, ऊपर से उन्होंने है का आकर पहले रोरा चलाया, रोरा चलाने के बाद फरसा बल्लम चलाए, उन्होंने है का सारे परिवार वालों पे मेरे बाद पे पूरे बिगल संदीप और रघुवर दयाल और उनकी घरवाली और एक उनकी लड़की चंचल और एक उसका भाई है तुलाराम, उन्होंने आकर के धरसार बल्लम से हमला किया है हम पे है का। कितने लोग घायल हुए? वो हमारे उनके खाली दो ही लोग हैं का, हमारे सात लोग घायल हुए हैं। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी है, आकर के तहरीर दे दी है थाने में है का, आकर के अभी डॉक्टरी माना हो रहा है यहाँ पे।